नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन। बाराबंकी जिले का बड़ा मादक पदार्थ तस्कर की संपत्ति को पुलिस ने की कुर्क। आपको बता दें कि बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है, मादक पदार्थ तस्कर देवशंकर मिश्रा की 9,15,30,000 की संपत्ति कुर्क। मादक पदार्थ तस्कर देवशंकर मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा निवासी ग्राम खरस्तिया थाना कोतवाली हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थों का कारोबार कर अवैध संपत्ति अर्जित करने का कार्य किया जा रहा था। अभियुक्त देवशंकर मिश्रा एक सुसंग गठित गिरोह है। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में गिरोह के अन्य सदस्य राजबहादुर उर्फ राजू सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम गुमावा थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली व संतोष मौर्या पुत्र बुधराम मौर्या निवासी ग्राम नगिया मऊ थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी मादक पदार्थों के सप्लाई मारपीट से जान से मारने की धमकी देने जैसे जघन्य अपराध कार्य करते रहते हैं। पुलिस ने बताया है कि इस संगठित गिरोह के भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति अभियोग पंजीकृत करने से डरता है और गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। थाना हैदरगढ़ में गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त देवशंकर मिश्रा व उसके गिरोह के विरुद्ध पूर्व में विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गढ़ द्वारा अपराध के माध्यम से निर्मित पंचवटी ढाबा कुल कीमत 3,34,61,000 रुपए, अचल संपत्ति कस्बा हैदरगढ़ पत्नी के नाम से 13,13,300 रुपए, निर्मित मकान की कीमत 1,20,14,500 रुपए, अचल संपत्ति पत्नी के नाम 10,87,900 रुपए। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि कुल 9,15,30,499,000 की कुर्की की गई है। आगे पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अनुराग वतस ने जानकारी दी है, क्या कहा सुनिए। आज दिनांक 5 जनवरी 2022 को जिला प्रशासन व बाराबंकी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बहुत बड़े तस्कर देवशंकर मिश्रा के विरुद्ध हैदरगढ़ थाने में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें अब तक के जनपद के सबसे अधिक संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस संपूर्ण संपत्ति की कुल लागत 9,15,30,000 है, जिसमें कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान ढाबे भी सम्मिलित हैं और इस प्रकार की कार्रवाई लगातार अनवरत चलती रहेगी। जो लोग भी इस प्रकार के अपराध में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध प्रशासन और पुलिस द्वारा अनवरत इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी।